पिछले दिनों यूपी के लखनऊ में मदरसे में युवतियों के शोषण का मामला सामने आने के बाद से ही मदरसों पर भी सवाल निशान लगने शुरू हो गए हैं। ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष कुंवर सिंह ने प्रेस वार्ता में राज्य सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा है कि जिस प्रकार मदरसों में युवतियों के साथ शोषण हो रहा है, उससे आज देश के साथ साथ राजधानी के भी सभी मदरसों पर जांच बैठाई जाए, जिससे वहां हो रहे कार्यकलापों की जानकारी आम जनता को मिले और उत्तराखंड को इस बदनामी से बचाया जा सके। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। प्रेस कॉम्प्रेस का मुद्दा है, विषय है कि अभी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यासीनगंज में मदरसे में कुछ 51 महिलाओं के साथ जो बच्चे अध्ययन कर रहे थे, उनके साथ किसी काज ने जो पढ़ाता था वो उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, यौन शोषण किया, यौन शोषण हो रहा है। तो हम आज के विषय हमारा यह है कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी मदरसे, मुस्लिम मदरसे बने हुए हैं, मुस्लिम महिलाएं उनमें अध्ययन कर रही हैं, बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, कोई ऐसा लखनऊ वाला जैसा कोई उत्तराखंड के अंदर कोई कांड न हो जाए, सरकार तक चेताना चाहते हैं कि उत्तराखंड के जितने मदरसे, मुस्लिम मदरसे अध्ययन कर रहे हैं, उनमें जाँच होनी चाहिए, देखभाल होनी चाहिए कि कहीं हमारे बच्चे इस बात का शोषण तो नहीं हो रहे, कोई काजी, कोई किस प्रकार का कोई टीचर कोई शोषण तो नहीं कर रहा मुस्लिम महिलाओं के साथ, मुस्लिम बच्चों के साथ। उत्तराखंड के अंदर ऐसा कोई कांड ना हो जाए जिससे कि हमारी सरकार को भाई कोई बात या हमारी संस्था पर धब्बा लग जाए, मुस्लिम कौम पर धब्बा लग जाए कि लखनऊ में तो हुआ मगर उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम कौम नहीं जागी और इसी कारण से बच्चों के साथ यह शोषण हो रहा है। आज का विषय यह है। केंद्र सरकार की योजना सोच मुक्त भारत के अंतर्गत अब राजधानी देहरादून के नगर निगम ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त विजय जोगदंड ने बताया कि 51 शौचालयों को चिन्हित किया गया है। इसके लिए सर्वेक्षण टीम गठित करने के साथ साथ शौचालयों का निरीक्षण भी किया जाएगा। वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि शौचालयों पर मशीनें लगाकर उनकी देखरेख के लिए डिवाइस के जरिए शौचालयों पर निगरानी रखी जाएगी। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 जो है 4 जनवरी से शुभारंभ उसका हुआ है पूरे देश भर में। इसमें 4041 शहरों का सर्वेक्षण होना है। नगर निगम देहरादून ने भी इस संबंध में अपनी तैयारी कर लिया है और सिटी प्रोफाइल को भारत सरकार के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और जल्द ही नगर निगम देहरादून को सर्वेक्षण के लिए तिथियां अलॉट हो जाएंगी और विजिट का डेट निश्चित हो जाएगा। उसी संबंध में हम लोगों ने जो हमारे पब्लिक टॉयलेट्स और कम्युनिटी सामुदायिक शौचालय हैं उसमें एक फीडबैक मशीन लगाने का एक प्रस्ताव हमने दिया हुआ है और इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है। इसमें हमारे 52 टॉयलेट्स हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पे हम लोग फीडबैक मशीन्स लगा रहे हैं। फीडबैक मशीन जो होगा ये एक ऑटोमेटिक डिवाइस रहेगा जिसमें 3 बटन उपलब्ध किया जाएगा, जिसमें कि अगर शौचालय को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति को लगता है कि शौचालय की साफ सफाई अच्छी है, संतोषजनक है या खराब है, तो उस संबंध में वो अपना फीडबैक देगा। वो फीडबैक डायरेक्टली हमको एक वेबसाइट के डैशबोर्ड के माध्यम से हमको प्राप्त होता रहेगा, SMS के माध्यम से प्राप्त होता रहेगा और जैसे फीडबैक मिलता है उसी हिसाब से हम उसमें साफ सफाई हेतु कार्यवाही भी करेंगे।